ठीक है एवरीवन, वी वुड बी फोकसिंग टुडे ऑन ग्राफ। किसका ग्राफ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, y इज इक्वल टू, मान लो तुमसे बोला गया 2x² + 3x + 8 का ग्राफ बनाना। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका ग्राफ बनाना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना करेंगे। ये वाला चलो एग्जांपल, अच्छा ही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मी टेक द एग्जांपल y इज इक्वल टू x² + 4x + 3। अब कुछ चीज मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। अगर मुझको इसका ग्राफ बनाना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मुझे इसका अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मुझे दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीन स्टेप का प्रोसेस होता है। जैसे ही तुमको ये चीज मिले, द मोमेंट यू सी दिस, यू विल राइट फोर थिंग्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फोर थिंग्स विच आर ए बी सी एंड कैपिटल डी। ए क्या है इसका? 1। बी क्या है? 4। सी क्या है? 3। एंड डी क्या है? b² - 4ac। तो शायद डी 4 आया। ठीक है, अब मैं एक और चीज साइड बाय साइड बता रहा हूं तुम लोगों को। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला टाइप का बनता है। इट वुड बी अ पैराबोला इन नेचर। पैराबोला मतलब नेचर, अगर किसी को समझ में आए, ईदर दिस काइंड और दिस काइंड। ठीक है, इस तरह के ग्राफ्स को हम पैराबोला बोलते हैं, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड के लिए ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओपनिंग डाउनवर्ड के लिए ए लेस देन 0 होना चाहिए। ए ग्रेटर देन 0 यानी ओपनिंग ठीक है। अब देखो ये कर्व कर्व है ना, जिसमें दो बहुत, मतलब इस कर्व में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस कर्व का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन यू नोटिस दिस? तो इस पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, -b/2a - d/4a। ये इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला रिमेन सेम, ओनली थिंग क्या आ जाएगी, वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी। इसके लिए दिस वुड बी द लोवेस्ट वैल्यू एंड यहां पे दिस वुड बी द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है एवरीवन, ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ, लोवेस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू, जैसे शायद फिजिक्स में आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया गया हो, पॉइंट कैसे निकाला जाता है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करके पॉइंट निकाल लेते हैं, वन ऑफ द मेथड है। बट ठीक है, तुम्हें क्या याद रखना है? ये फॉर्मूला याद रखना है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ए बी सी एंड कैपिटल डी एंड इस पॉइंट का फॉर्मूला विच इज -b/2a - -d/4a। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं कि मुझे ग्राफ बनाना है। इतना लिख लो सब लोग, एवरीवन प्लीज राइट डाउन।
ठीक है, ये लिख लिया, ये बना लिया। अब मैं ग्राफ बनाने के ऊपर फोकस करता हूं। मैंने क्या बोला था, इट्स अ थ्री स्टेप प्रोसेस। स्टेप वन, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ए पॉजिटिव मींस ओपनिंग अपवर्ड, मींस व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ, व्हाट पॉइंट विल आई गेट? लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाय, तो जो मेरा लोवेस्ट पॉइंट है वो मुझे माइनस टू कॉमा माइनस वन मिला। एम आई राइट, एम आई करेक्ट? एवरीवन इज गुड विद दिस लोवेस्ट पॉइंट? ये मेरा स्टेप वन है, दिस इज माय स्टेप वन, माइनस टू कॉमा माइनस वन। मेरा स्टेप टू क्या होगा? अब मैं देखो, लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट मिल गया, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब वो ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को कट करे या वाई एक्सिस को कट करे। तो वाई एक्सिस को कट करने वाले पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? तो वाई एक्सिस पे कट करने वाले पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तुम एक्स में x की वैल्यू जीरो पुट कर दो। किस में? y में। x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे किस में? y के एक्सप्रेशन में। तो x को जीरो मिला तो y इज इक्वल टू थ्री। हमेशा ये वैल्यू c के बराबर मिलेगी। तो यहां पे मेरा पॉइंट हुआ जीरो कॉमा थ्री, पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला, दो स्टेप हो गए मेरे। नाउ आई विल राइट माई थर्ड स्टेप, एट y इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, y को जीरो कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसको फैक्टराइज करना आप लोगों को पता है, वो मैं नहीं बता रहा हूं। यानी इसमें मुझे कौन से पॉइंट्स मिले? माइनस थ्री कॉमा जीरो पॉइंट्स ये मिले। यानी आई हैव फोर पॉइंट्स, वन टू थ्री फोर। सब लोग इतना लिख लो, ये चार पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब इसके बाद मैं ग्राफ बनाने पे आ जाऊंगा। बस मेरा हो गया एंड इसके बाद मेरा ग्राफ बन जाएगा एक ही मिनट में, देखते हैं कैसे बनेगा। आज सिर्फ ग्राफ्स करेंगे, ठीक है? स्टेप वन में मैंने फॉर्मूला यूज किया है, स्टेप टू में मैंने एक्स की वैल्यू जीरो डाली है। किसमें? अपने एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन क्या था? वाई इज इक्वल टू, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डालो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, थ्री। और स्टेप थ्री में वाई की वैल्यू जीरो डाली है, एक्स तो से एक्स निकला। एवरीवन, इतना हो गया?
अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, मेरे मेरे पास वापस से मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट्स क्या थे, माइनस टू कॉमा माइनस वन लोवेस्ट पॉइंट, जीरो कॉमा थ्री यानी वाई एक्सिस वाला, एंड शायद माइनस थ्री कॉमा माइनस माइनस थ्री कॉमा जीरो एक्स एक्सिस वाले, एग्री? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो सबसे पहले ग्राफ में लोवेस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट ड्रॉ करना। माइनस टू कॉमा माइनस वन कौन सा पॉइंट होगा? दिस वुड बी दिस पॉइंट, ठीक है? तो मेरा लोवेस्ट पॉइंट मिल गया, यानी मेरा जो कर्व होगा वो ऐसा होगा ना, इस पॉइंट से लोवेस्ट वाले पॉइंट से ऐसे मूव करेगा ना, ये समझ में आता है सबको? यानी अगर मुझे ये पॉइंट मिला है तो एक साइड मेरा कर्व ऐसा जाएगा और एक साइड मेरा कर्व ऐसा जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, बाकी पॉइंट्स 0.3 समवेयर यहां, जीरो कॉमा थ्री ये, माइनस वन कॉमा जीरो ये, एंड माइनस थ्री कॉमा जीरो ये। तो एक साइड का कर्व ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है? मैंने जैसे हाथ दिखाया था वैसा, और सेम इसी का रेप्लिकेशन दूसरी साइड भी बनेगा। सो दिस इज माई ग्राफ एवरीवन, दिस इज माई ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस, सब लोग बनाओ, फिर मैं वापस से एक और क्वेश्चन दूंगा, उससे अगेन एक्सप्लेन करूंगा, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ ही बनाना है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, इसका ग्राफ बनाना है, करो। थ्री स्टेप प्रोसेस, सबसे पहले एबीसीडी तुरंत लिख लोगे, उसके बाद स्टेप वन में लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट, स्टेप टू में वाई इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट, स्टेप थ्री में एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट। So these three things will get you the answer. Try करो सब लोग। ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जेई में, ग्राफ के ऊपर बेस्ड, ग्राफ बनाना नहीं आता लेकिन ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। हाँ आयुष जाके बेटा सही है, 2 towards the end of the class मैं दिखाऊंगा कि ग्राफ दिया रहेगा और तुमसे पूछा जाएगा कुछ चीजें। y is equal to x square minus 7x plus 9 plus 6।
एवरीवन जिस जिसका हो होता जा रहा है, जिसका हो जाए डन लिखो, जिसमें मुझे समझ में आएगा ना, कि क्योंकि ग्राफ तो भेज नहीं सकते, तो जस्ट राइट डन, ठीक है? तो आई विल कम टू नो। ऑब्वियसली कवर अप चल रहा है, तो कुछ लोगों ने पहले किया होगा, इट्स ओके। हाँ यश बेटा, फॉर्मूला मत बताओ मुझको, आंसर बताया करो। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, सी इज इक्वल टू सिक्स एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो 49 माइनस 24 गिव्स मी 25। फर्स्ट ओपनिंग अपवर्ड, क्यों? ए पॉजिटिव है तो लोवेस्ट पॉइंट माइनस बी बाय टू ए, माइनस बी बाय टू ए माइनस डी बाय फोर ए। तो जो लोवेस्ट पॉइंट मिलेगा वो 7/2 कॉमा 0, y सीधे सीधे c हो जाता है, तो जो पॉइंट है वो है 0.6। एट y इक्वल टू जीरो, इसमें y की वैल्यू जीरो कर दो, x स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो x माइनस सिक्स, x माइनस वन, तो सिक्स और वन, यानी पॉइंट जो हुआ ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स मिल गए मुझको। अब मैं इसके बाद ये चार पॉइंट्स को देखते हुए मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, एंड जितनी चीजों की जरूरत थी उतने से मेरा ग्राफ 100% मिल जाएगा मुझको, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मैंने सेवन क्योंकि जीरो सिक्स तक दिख रहा है मुझको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ऑब्वियसली आप जब बनाएंगे तो आपको सब पता होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर या मतलब वैसा एग्जाम में ये स्केल दी रही होगी। अब देखो 7/2 कॉमा माइनस 25/4, 7/2 कौन सा पॉइंट होता है? 3.5 कॉमा माइनस 6.25, यानी 3.5, 1, 2, 3, 3.5 का 3.5 का मैं बिल्कुल ही ये, ये 3.5 है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो
निगेटिव में। तो सबको ये पॉइंट समझ में आता है कि लोवेस्ट पॉइंट ये होगा। लोवेस्ट पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन? लोवेस्ट पॉइंट आ गया। अब बाकी बची चीजें कर लेते हैं। बाकी बची क्या चीजें थी? 0.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.0 एंड 1.0। पहले ये चार पॉइंट बना लिए। अब हमेशा मैंने क्या बोला, ग्राफ के लोवेस्ट पॉइंट से, लोवेस्ट पॉइंट से एक साइड ऐसा ग्राफ और दूसरी साइड भी ऐसा, यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इधर से मैं ऐसा बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? और इधर से भी मैं This point is 7/2, -25/4। किसी को कोई कंफ्यूजन? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, सब लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। माय क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू -x² + 4x - 3। इसका ग्राफ बनाना है। करो सब लोग। नेक्स्ट वीक मैं ट्यूसडे को भी कवर अप सेशन लूंगा और काफी इंपॉर्टेंट सेशन लूंगा। नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे का कवर अप सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लोकेशन ऑफ रूट की बात है करेंगे हम, विच इज आर बिट ऑफ डिफिकल्ट पार्ट। तो मेरा ये कहना है कि वेवी कर्व इनइक्वालिटी और जो पुराने ही चीजें हैं वो रिवाइज करके आना, स्पेशली वेवी कर्व इनइक्वालिटी, जो मेरा बिल्कुल पहला लेक्चर है YouTube पे इन इक्वेशंस का, जिसको भी कंफ्यूजन होती होगी उसमें। ठीक है, करो इसको। हाँ श्रावणी, गुड। साहिल बेटा क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ यूट्यूब चैनल? बेटा पहली क्लास थोड़ी चल रही है। मैंने बोला है ना सबको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। पूजा बेटा वीडियो उस पे अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पे। गुड।
सबसे पहला पहला पॉइंट लिखने से पहले, ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू फोर, सी इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे तो शायद फोर आता है। ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ क्योंकि इसके ए की वैल्यू निगेटिव है। जब भी ए की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब द ग्राफ इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है? अच्छा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। दूसरी चीज, ओपनिंग डाउनवर्ड्स हुआ, हाईएस्ट पॉइंट इसमें होगा। ओपनिंग डाउनवर्ड में हाईएस्ट पॉइंट निकलता है माइनस बी बाई टू ए। तो अब मैं सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर दे रहा हूं, माइनस बी बाय टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो मेरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है थ्री टू कॉमा वन। तो मेरा जो हाईएस्ट पॉइंट है डेट इज टू कॉमा वन। ये क्लियर, ये सबने सही लिखा था। सेकेंड, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, क्योंकि सी की वैल्यू हो जाती तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस थ्री। एट वाई इक्वल टू जीरो मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री भी लिख सकता हूं क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू थ्री और वन, तो इससे पॉइंट क्या मिले, थ्री कॉमा जीरो एंड वन कॉमा जीरो। आपने ये सब सही कर लिया, ये चारों ये तीनों स्टेप सही कर लिए तो क्वेश्चन 100% करेक्ट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्वेश्चन में फिर, ठीक है? अब मैं साइड में ग्राफ बनाता हूं। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। टू कॉमा वन, वन टू थ्री फोर, तो विच पॉइंट इज टू कॉमा वन, टू कॉमा वन वुड बी हेयर, जीरो कॉमा माइनस थ्री वुड बी हेयर, थ्री कॉमा जीरो एंड वन कॉमा जीरो, थ्री कॉमा जीरो एंड वन कॉमा जीरो। इसमें भी ग्राफ अपना वही, हमेशा लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट से ही ग्राफ बनाओगे। इसमें क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से शुरू होके ओपनिंग डाउन डाउनवर्ड्स, मतलब यहां से अगर शुरू हो रहा है इधर आ रहा है तो, इधर से शुरू हो रहा है इधर आ रहा है तो, सो दिस इज माई ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बनाना सही, क्लियर हुआ? तीन क्वेश्चन अभी मैं और दूंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ बनेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, हो गया यहां तक? यस नो कुछ तो बोलो। हाँ यस ठीक है, ग्रेट। हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन. इसका ग्राफ बनाओ. दो मिनट है, जल्दी से बनाओ सब लोग. नहीं निरंजन बेटा, मैं पानी का रख दिया, पानी का रख दिया. एक ग्राफ काफी लोग का डन हो गया है, लेकिन कम ही लोग मुझको मैसेज करते हैं डन डन. बाकी आराम भी करते हैं, अब बोलने पे आता है. सबसे पहले ए वन बी सी, और नोटिस करोगे इसका डी जीरो आ गया. डी जीरो इज अ वेरी नाइस केस. अपवर्ड, अब मैं अपवर्ड को ऐसे लिख दे रहा हूं बार बार ने, ओपनिंग अपवर्ड मतलब लोवेस्ट पॉइंट माइनस बी बाई टू ए थ्री माइनस डी बाई फोर ए. डी जीरो है तो थ्री कॉमा जीरो, लोवेस्ट पॉइंट थ्री कॉमा जीरो. स्टेप टू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू नाइन, तो दूसरा पॉइंट हुआ 0.9. और काफी लोगों ने अगर स्टेप थ्री किया होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री आया होगा. तो नोटिस करोगे इसमें स्टेप वन और स्टेप थ्री का वाला पॉइंट सेम आ रहा है. तो जब भी डी इक्वल टू जीरो है तो तुम्हें स्टेप थ्री करना ही नहीं है. देन देयर वुड बी ओनली टू स्टेप्स, स्टेप वन एंड टू. उसी से मैं ग्राफ बना के दिखा दूंगा, क्योंकि स्टेप थ्री से जो आंसर आएगा दैट इज द सेम आंसर एज स्टेप वन. तो मैं व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, ठीक है, उससे अच्छा मैं कुछ खा पी लूंगा, खेल कूद लूंगा. व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन doing step 3. Okay. So, ये सबने किया. अब मैं ग्राफ बनाने पे आ जाऊंगा. लोवेस्ट पॉइंट 3.0, 3.0, 1, 2, 3.
दिस इज माई लोवेस्ट पॉइंट. 0.9 मैं यहां पे ऐसे बना दे रहा हूं, दिस इज 0.9. सिर्फ दो से मैं अपना ग्राफ बना लूंगा, इससे और इससे. लोवेस्ट पॉइंट से शुरू करोगे ग्राफ, और अगर लेफ्ट वाला पॉइंट है तो ऐसे यू वही जैसे कर्व में ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है. और जैसे ही इस साइड का कर्व है वैसा ही सिमेट्रिकल कर्व इधर भी बना दोगे. बस बन गया मेरा. तो जब भी डी जीरो है, जब भी डी जीरो है तो मुझे ग्राफ के बारे में, थर्ड वाले पॉइंट के बारे में उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एक और क्वेश्चन करें, ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था 3.3. y equal to minus x square minus 2x minus 1. इसको बनाओ. करो सब लोग, और हो जाए तो डन लिखना शुरू कर दो. कुछ ओके डन आ गए हैं, ग्रेट. बाकी ए माइनस वन, बी माइनस टू, सी माइनस वन, और डी निकालोगे तो डी जीरो आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. पहला पॉइंट डाउनवर्ड्स ग्राफ होगा और माइनस बी बाई टू ए करेंगे तो शायद माइनस वन आता है, एंड डी जीरो है तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस वन, सी वैल्यू हो जाती है तो बस मुझे बस इतना ही करना था. अब मैं ग्राफ बनाने पे आ जाऊंगा. माइनस वन कॉमा जीरो, इसका ये हाईएस्ट पॉइंट होगा. और 0, -1 यहां रहेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट से जिस साइड भी दूसरा पॉइंट है उसको कर्वेचर में, थोड़ा सा कर्व में बनाओगे, और इधर से सेम सिमेट्री. ये हो गया. क्लियर एवरीवन? आगे देखें.
लेट्स सी फर्दर, ठीक है। y is equal to 2x square plus 2x plus 4 करो इसका। मुझको सब लोग वो दो पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स या जो भी पॉइंट है वो जब डन के साथ वो पॉइंट बताओगे, ठीक है। सिर्फ डन नहीं बताओगे, यू विल ऑल्सो टेल मी द पॉइंट्स, तब मैं सही मानूंगा, ठीक है। यस श्रावणी बेटा, गुड, करेक्ट। बाकी लोग यस अक्षय, गुड। अक्षय बस एक छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक की है, बाकी सारी चीजें करेक्ट है। ऋतुजा गुड, लेकिन तुमने भी एक सिली नहीं, ऋतुजा सही है, करेक्ट है। रेस्ट एवरीवन, तू है नाश्वर अजिंक्य, करेक्ट है। ए ए मेरा टू है, बी मेरा टू है, सी मेरा फोर है और डी मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर यानी फोर स्क्वायर माइनस 32, फोर स्क्वायर माइनस 32। तो डी मेरा माइनस 28 आया, निगेटिव आया। डी निगेटिव आया तो इसका मतलब उसके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें भी सिर्फ दो ही स्टेप का प्रोसेस होगा, पहला अपवर्ड, तो मतलब लोवेस्ट पॉइंट माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए माइनस वन आएगा, माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस माइनस प्लस सेवन बाय टू, ये बी बाई टू ए, सॉरी वन बाई टू, माइनस हाफ एंड सेवन बाई टू। ये मेरा इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा एट वाई इज इक्वल टू फोर, तो दूसरा पॉइंट होगा 0.4। बस ये दो पॉइंट मिल गए हैं, मैं ग्राफ यहां पे साइड में बनाऊंगा। माइनस हाफ कॉमा सेवन बाई टू, माइनस हाफ यहां कहीं होगा
सेवन बाई टू यहां कहीं होगा, मतलब थोड़ा सा और ऊपर, और 0.4 उससे थोड़ा सा ऊपर होगा वाई एक्सिस पर। तो मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है, दिस इज माय ग्राफ। हाँ अक्षय बेटा क्या बोल रहे हो? वी डोंट नीड टू डू थर्ड स्टेप हेयर ऑल्सो, क्यों? अगर डी निगेटिव आ गया तो उसके कोई रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे, तो इक्वल टू जीरो करने से कुछ कुछ भी आंसर नहीं आएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक क्लास ग्राफ कर लेते हैं, उसके बाद हम इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्लास ग्राफ y इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर माइनस 7। करो y इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर माइनस 7। हुआ? अजिंक्य बेटा व्हाट इज दिस? प्लस माइनस की गलती भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, ठीक है? तोहिन बेटा गिव मी, तोहिन हमेशा फ्रैक्शंस में आंसर दो, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नक्षत्र प्लस माइनस की मिस्टेक नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एनीवन एनी मिस्टेक इन प्लस माइनस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अब लिखा है।
ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू माइनस सेवन. आप डायरेक्टली नोटिस करके भी ले सकते थे, मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो शायद माइनस 27 निकलता है डी. ठीक है, तो अब पहला पॉइंट अगेन डी नेगेटिव आ गया. फर्स्ट पॉइंट ओपनिंग डाउनवर्ड वाई, ए नेगेटिव है, हाईएस्ट पॉइंट माइनस बी बाई टू ए, माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन, तो हाफ निकलता है, और माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी, तो माइनस डी मतलब 27 हो गया बाई फोर ए, फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, तो माइनस फाइनल आंसर माइनस 27 बाई फोर, हाईएस्ट पॉइंट हो गया. एंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस सेवन, तो दूसरा पॉइंट हो गया जीरो कॉमा माइनस सेवन. तो अब मैं यहां पे साइड में ग्राफ बना दूंगा. हाफ कॉमा माइनस 27 बाई फोर, माइनस 27 बाई फोर की अप्रोक्स वैल्यू माइनस 6 पॉइंट समथिंग ना, तो मान लो ये माइनस 6 है, ये माइनस 5 है, ये माइनस 7 है. ठीक है, तो बताओ माइनस 6 पॉइंट समथिंग माइनस 6 के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा. इट विल कम बिलो माइनस सिक्स, ये सबको पता है ना, तो ग्राफ निगेटिव में तो गलती नहीं होगी. और किस पे हाफ, यहां पे कहीं हाफ होगा, तो दिस वुड बी वन ऑफ द पॉइंट, विच पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट, माइनस हाफ कॉमा, सॉरी माइनस हाफ गलत बोला, हाफ कॉमा माइनस 27 बाई फोर, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस सेवन. तो ये दो पॉइंट मिल गए. अब मुझे ग्राफ बनाने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा. ये हाईएस्ट पॉइंट से पहले इधर जोड़ूंगा और फिर वैसा ही सिमेट्रिकल ऐसे बना दूंगा. क्लियर, कितने लोगों का लास्ट वाला बिल्कुल सही था, raise your hand. Okay. More than 50% of the class. Very nice. Very happy. ठीक है, छोटा सा टेबल बना दे रहा हूं जिससे आपको ये सारी की सारी थ्योरी वापस से रिवाइज हो जा रही है. टेबल इसमें x की वैल्यू नहीं निकलेगी अपूर्वा, y x एक्सिस पे ये कहीं कट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि d इसका नेगेटिव है, तो इसमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स ही रहेंगे, थर्ड स्टेप नहीं रहेगा. x की इसमें इमेजिनरी वैल्यू आएगी अगर मैं थर्ड पॉइंट करने जाऊंगा तो.
एक ही पेज में था तो इस वजह से मैं A positive, D positive, A positive, D zero, A positive, D negative. Yeah. ए पॉजिटिव वाले केसेस में ओपनिंग अपवर्ड होता है. इन सारे केसेस में, पहले वाले केसेस में ये एक्स एक्सिस है, पहले वाले में ग्राफ इस तरह का बनेगा, दूसरे वाले में ग्राफ इस तरह का बनेगा और तीसरे वाले में ग्राफ इस तरह का बनेगा. इधर आते हैं ए निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तीनों में ए निगेटिव है. अगेन डी पॉजिटिव, डी इक्वल टू जीरो, सब में ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ बनेगा. ओपनिंग डाउनवर्ड्स कटिंग टू, ओपनिंग डाउनवर्ड्स टचिंग, ओपनिंग डाउनवर्ड्स नॉट एट ऑल टचिंग. ये सबको, ये ग्राफ सबको समझ में आया? यही सारे के सारे छह तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन देखे. एवरीवन क्लियर विद दिस? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जो इन सारे के सारे थ्योरी के ऊपर बेस्ड होंगे. वही सारे दो तीन क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल एंड द क्लास. करें? शैल वी? एवरीवन, ये एक ग्राफ दे रखा है तुमको. अब मैंने तुमसे कुछ चीजों के साइन पूछे हैं. साइन मतलब कि तुमको बताना है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव. तुमसे ये छह चीजों की के साइंस पूछे गए हैं, तो यू हैव टू टेल वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव. दो मिनट लो सब लोग, सोचो और मुझको एक साथ लाइन से छह साइन बताओगे. ठीक है, एक एक करके नहीं,
जैसे मान लो ए अगर पॉजिटिव है तो लिखोगे पॉजिटिव कॉमा, डी निगेटिव है तो निगेटिव कॉमा, सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉमा, ठीक है। अगर कोई साइन तुमको नहीं आता है तो उसमें दो कॉमा के बीच कुछ नहीं लिखोगे, यानी दो कॉमा डाल दोगे और वो नहीं लिखोगे। तो अगर छ छ आंसर देने हैं तो 5 कॉमास 100% रहेंगे, फर्स्ट का आंसर देन कॉमा, सेकंड का आंसर देन कॉमा। अगर थर्ड का आंसर नहीं पता है तो सेकंड के आंसर के बाद कॉमा, फिर अगेन कॉमा एंड फोर्थ का आंसर, ठीक है। सो एवरीवन यू विल गिव मी द आंसर इन दैट फॉर्म, गिव इट टू मी, टेक 2 to 3 minutes। देखता हूँ कितने लोगों के आया। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक आंसर में दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेंगे। बाकी लोग भी आंसर दो, अभी तक कम ही लोगों के आंसर आए हैं। जिसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा वो ए निगेटिव में, क्यों, ओपनिंग डाउनवर्ड है, एंड डी पॉजिटिव में, क्यों, दो जगह कट कर रहा है। यही 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते थे ना, ए निगेटिव, ए निगेटिव मींस ओपनिंग डाउनवर्ड एंड दो जगह कट कर रहा है तो डी पॉजिटिव। अच्छा सी, सी क्या होता था, जहां पे मेरा ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये वाला मेरा पोर्श वैल्यू सी होती थी, तो विच इज पॉजिटिव, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब आते हैं डी, बी के बारे में। बी मेरा किस फॉर्मूले में आता है, बी मेरा इस फॉर्मूले में आता है, -b/2a, -d/4a।
ये किस क्वाड्रेंट में, ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, पूरी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब माइनस बी बाई टू ए शुड बी पॉजिटिव, यानी बी बाई टू ए शुड बी निगेटिव। इसका मतलब बी बाई ए पॉजिटिव है कि निगेटिव? बी बाई निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव, तो बी क्या होना चाहिए? बी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ए बी सी डी में सबको क्लियर है? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या थी? माइनस बी बाई ए। अच्छा, अगर माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। Got it? अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? सी बाई ए। सी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, तो आंसर निगेटिव। ठीक है, कोई अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए यहां से भी वापस पुट करके भी निकाल सकता था। नेगेटिव, बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और ए नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव गिव्स मी पॉजिटिव। सो डज नॉट मैटर तुम क्या मेथड यूज करो, बट यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं, करें? फोर्थ बी पॉजिटिव कैसे आया? माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो बी बाई टू ए निगेटिव हो जाएगा। ए निगेटिव है तो बी बाई निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव, इट मीन बी पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड के इफ, फाइंड के इफ entire graph of above x-axis find k if the entire graph of this is strictly above x-axis।
मुझे के की वैल्यू को आंसर दो सब लोग, 2 मिनट है तुम लोग के पास, आंसर दो। ओके अक्षय, कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं किया अक्षय, नक्षत मेजर मिस्टेक की है जो मुझे लगता है। अच्छा रीचेक अगेन, अजिंक्य तुम भी चेक करो। अच्छा अब करेक्ट है, गाइस बाकी लोग आंसर दो। तो एन सिली मिस्टेक्स नहीं, याद करो कौन सा वो केस था जो हमने टेबल बनाया था जिसमें ग्राफ हमेशा स्ट्रिक्टली अबव एक्सेस होता है। व्हाट वाज द केस व्हेन द ग्राफ इज स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सेस? ए नेगेटिव, डी सॉरी ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव। एग्री? वो थर्ड केस जो था मेरा ग्राफ का, ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, इसका ए बी सी क्या है? इसका ए है 1, बी क्या है के माइनस 1। सबको बी समझ में आता है इसका के माइनस 1 है, क्योंकि इक्वेशन है ये वाई इज इक्वल टू सी इज 9। इसका ए बी सी ये है, तो इसका डी हैज टू बी लेस देन 0, यानी डी मतलब के माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 4 ए, ए इज 1 एंड सी इज, ओपन कर देंगे तो शायद के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 35। तो जो फैक्टराइज हो जाएगा वो के माइनस 7 अब इसका वो वेवी कर्व माइनस 5 7 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई वांट नेगेटिव पोर्शन, तो के बिलोंग्स टू everyone, are you clear with this?
ठीक है, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कवर अप क्लास जो ट्यूजडे को होगी, उसमें हम लोकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे, जिसके लिए ये ग्राफ तुमको पता होना चाहिए, ग्राफ की थ्योरी पता होनी चाहिए और वेवी कर्व इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए, बिल्कुल लेक्चर वन मेरा, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक अच्छा पार्ट है और उसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं, और थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, मतलब उसमें एडवांस के भी क्वेश्चन आते हैं। सो आज के लिए बहुत हो गया, होपफुली ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं एवरीवन, निरंजन बेटा वीडियो वीडियो यूट्यूब पे ठीक है। चलो एवरीवन गाइस write down this and leave. Why are you bothered, Manas beta? Jab us cheez ki baat aayegi then I will tell na. Right now focus on current chapter.